शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिजनेस करते हैं बिजनेस, हमें साफ और सीधे लफ्जों में इश्तहार चाहिए, सिर्फ इश्तहार। अपने ज्ञान की बातों से आप लोग हमें क्यों बोर करते हैं? अरे नहीं लिखाया तो साफ कह दीजिए आप लोग, अच्छे लिखने वालों की कमी नहीं। अच्छे लिखने वालों की कमी नहीं है, ये सही है, मगर मुझे आज पता चला कि अच्छे छापने वालों की कमी जरूर। बकवास बंद कीजिए और ले जाइए अपना साहित्य, शायद लगा के चाटिए। जहां तक शहर लगाकर चाटने की बात आपने की, मुझे कुछ खास जमे नहीं, क्योंकि जमाना शहर लगाने का नहीं मक्खन लगाने का है। हुजूर, आपको शहर लगाने के बजाय मक्खन लगाने की सलाह देनी चाहिए थी। हालांकि उस सलाह का भी कुछ मतलब नहीं निकलता, क्योंकि मैंने अब तक मक्खन लगाना सीखा ही नहीं। नहीं सीखा तो सीख लो मिस्टर, वरना जिंदगी में पछताओगे। अफसोस ये है हुजूर, आज के जमाने में मक्खन ही बहुत महंगा है। कोशिश करूंगा। सर ड्रेस जय, तुम कहाँ चले? सर बड़ा आदमी है ये, क्यों बुलाया था तुमने इसको? क्या नाम है इसका? हाँ ठीक है अरुण। अरे तुम्हारा दोस्त है तो क्या हुआ, तुम अब से सारा मूड सोवर करके रहती है। जी अच्छा, आई एम सॉरी सर। सॉरी होने से क्या होता है, अपने फ्लैट की चाबी निकालो। चाबी? यस सर। वो बात यह है कि कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज रात को मैं अपने। तुम्हारी तबीयत खराब होने से क्या होता है, या सबकी तबीयत खराब है, मौसम ही कुछ ऐसा है। और देखो तुम इनकार नहीं कर सकते, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन सर मैं ये मत भूलो जाए, इस ऑफिस से किसी मामूली आदमी को फ्लैट नहीं मिलता, खास आदमी को दिया जाता है। और ये फ्लैट तुम्हें हमारी मेहरबानी से मिला है। जय अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारा पेट भर गया हो छुट्टी करवा दो तुम्हारी।
अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम्हारे फ्लैट की चाबी इसी तरह चलती रहेगी। उस हाथ से इस हाथ में और इस हाथ से इस हाथ में जा सकते हो चाहे। आओ कुंजी बहादुर सिंह, चाबी दे। नहीं तो क्या मर जाऊं? नहीं, जिंदा रहो। देखो अरुण, मुझे ये नौकरी किसी भी हालत में करनी है। मैं खुद फाके करके फुटपाथ पर रह सकता हूँ, लेकिन मेरे यतीम भाई बहनों की उम्मीदों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर ये नौकरी करूँ। छोड़ो यार, बेकार की बात है। जिंदगी में कुछ उसूल भी होते हैं ना। तुम्हारे पास अगर तनु का सहारा ना होता ना, तो मैं देखता तुम अपनी आंखों में किस तरह अपने उसूलों के धूल चूकते। तेरा मुंह कितना कड़वा हो गया। चल चलो मेरे साथ। अरे अरे, ये आपके 40 नंबर का सांप भी साला अजीब आदमी है। हाँ, रात भर बाहर टहलता रहता है और दूसरा लोग फ्लैट में धमाल मचाता रहता है। लेकिन अपन को क्या करने का? अरे इसमें भी कोई उसका रात का बात होगा। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। सालों ने मेरे फ्लैट को बाजार बना रखा है। होटल में कमरा लेते हुए नानी मरती ना, डरते है कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। ये भी ठीक है। कमल लेना। ओ जय, गुड नाइट सर। जय, रियली बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कह रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज। नहीं जय, देखो मैं तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब कंपनी ने तुम्हें टेलीफोन के समय फ्लैट दिलवा रखा है तो उसे कम से कम इस फर्नीचर हालत में तो न रखो। क्या क्यों सर, फ्लैट की देखभाल करने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। लकड़ी जैसे सख्त बेड पर तुम्हें नींद कैसे आती है? हाँ जी, मैं सोता ही कहा हूँ। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं सर, कल ही मैं आपके लिए एक फोम लेदर का गद्दा लगवा देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। नो भाई जय, देखो कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हम लोगों को भी तो है ना। पर ये क्या कह रहे हैं सर, आप लोग क्यों तकलीफ करें? जय, तुम अपनी जेब से क्यों खर्च करोगे? हाँ ठीक है, मैं कल ही दिनेश और गोवर्धन को कहकर सब इंतजाम करवा देता हूँ। थैंक यू सर। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। अच्छा जय, स्वीट ड्रिंक्स, चलो। सोने देते नहीं इस साले और सपनों के आशीर्वाद देते हैं। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो जय? इतनी रात गए जा नहीं रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं। कहके रह जाते हो, आती कभी नहीं। दरअसल क्या है भाभी जी, ये ऑफिस में ओवर टाइम करके मैं इतना थक जाता हूँ कि जब तक मैं घर आता हूँ एकदम चुरचुर हो जाता हूँ। ये सफाई देने से क्या फायदा जय? इस बिल्डिंग की दीवारें बड़ी चुगलखोर है, यहाँ की बात वहां तक पहुँचाती रहती है। और इतनी रात गए तुम्हारे फ्लैट में जो हंगामा होता है। मैं सच कहता हूँ डॉक्टर साहब, इन हंगामों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो दरअसल ये तो कह रहे हैं तुम खाम खा इनके पीछे पड़े रहते हो। चलो अंदर चलिए, अपना काम करो। चलो भाभी जी, भाभी जी क्या करते रहते हो, मुझे तो शर्म आती है। अच्छा अंदर चल के भी आराम करो, मैं चाय बना देती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, मुझे डॉक्टर से कुछ काम है। तुम मुझसे जितना चाहो झूठ बोल सकते हो, मगर आदमी को अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय जिंदगी इन लुटाने के लिए नहीं होती। मगर ऐसे भी क्या कंजूसी कि जिंदगी को रात भर दांतों से पकड़े बैठे रहे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी गिनती जिंदों में है या मुर्दों में। मगर डार्लिंग, ये डॉक्टरी का पेशा ही ऐसा है, दूसरों की मौत से लड़ते लड़ते आदमी अपनी जिंदगी को भूल जाता है। मगर तुम तो मेरी जिंदगी को याद करने से भी कतराते हो। चलो अंदर जाओ, अंदर जाके सो जाओ। चलो चलो नीचे, अंदर जाओ। आप मैंने किसी को जाके देते बहुत हो गया जी। अरे समझते क्या अपने आप को, बहुत है मेरे तो क्या हुआ। आखिरकार मेरा फ्लैट है, आई वांट टू स्लीप। चले आते हैं यहां पर, आपसे मिलिए। मेरा बेड है तो मेरा, लेकिन इस्तेमाल करते हैं दूसरे और मुझे सोना पड़ता है बाहर। सालों पर शर्म भी नहीं आती। Yes,
स्लीपिंग पिल बनाने वाले ने भी मेरी तरह काफी भागदौड़ की होगी। ये तुम क्या कर रही हो? ये दीवार के बीमार है, इस तरह मेरे 25 से उसको तोड़ दिया तुमने। जब मेरा दिल टूटता है तब तुम्हें कुछ नहीं होता, जरा से ये तोड़ दिया, जब देखो डांटते रहते हो। हाँ, और तुम कर भी कह सकते हो। प्लीज रोना नहीं, रोते नहीं। सुनो सुनो, कितने अच्छे लग रहे हो जी। ऑफिस जा रहे हो? जी हाँ, नमस्ते, मुझे ज़रा जल्दी है। अभी जा रहे हो? अरे ऑफिस नहीं जा रहा, चक मारने जा रहा हूँ। हम तुम्हें यहाँ हर चीज नहीं रख सकते, तुम्हारी सोबत से हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा यहाँ है ही कौन? हो या ना हो, हमें कुछ नहीं करना, चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। प्लीज चाचा जी। मर गए तुम्हारे चाचा जी। सुबह शाम आवारा की तरह कहाँ घूमती फिरती रहती है? ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं। तुम्हें यहाँ रख के हमने अपनी हंसी नहीं उड़वा ली, तुम्हारा ये झमेला हमसे बर्दाश्त नहीं होता। सुनिए, आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, तो आपका भी इनसे कुछ है? अरे बड़े बदतमीज आदमी हो आप, सीधी तरह जाते हैं वरना मैं न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सुनिए, ये कौन श्रीमान थे जो आप पे चिल्ला रहे थे? मेरे रिश्ते के चाचा जी हैं। अरे कमाल के चाचा जी हैं, जवान भतीजे को बाहर फेंक दिया और वापस चले गए। आप तो रो रही हैं, देखिए रोने से कोई फायदा नहीं। आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। ईस्ट अफ्रीका से मुझे आए हुए एक महीना हुआ है, नौकरी की तलाश में मैंने सारी बम्बई छान मारी है, मगर ये लोग समझते हैं कि मैं काम नहीं ढूंढती, कोई ऐसी वैसी बात करती है। अच्छा, अरे ऐसी वैसी बात को मारो गोली, चलिए मैं आपको किसी हॉस्टल में करवा देता हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। शोभा, शोभा। मेरा नाम शोभा नहीं, नीता है। अरे आपका नाम नहीं, शोभा मेरी सहेली, एयर होस्टेस है, वेरी नाइस गर्ल। चलिए चलिए सामान उठाइए, चलिए। अरे आप तो लड़की, आप कैसे सामान उठाइएगा? सामान तो मैं उठाऊं। बड़ा आया चाचा। अबे चाचे का भी कोई चाचा होता है, समझे? साला हरामी, सॉरी। दरअसल क्या है, शोभा बड़ी अच्छी लड़की, थोड़ा सा शराब वराब पीती है, लेकिन उसका खराब मत माना, सिगरेट भी बहुत पीती है, लेकिन बात यह है शोभा जो है ना, हेलो जय। हाय शोभा। हाय। ये नीता है। नीता? नीता कौन? नीता अच्छा पहले अंदर तो आ जाओ। हाँ यस, आइए आइए, आना। सामान भी है। सामान जी? किसका? इनका। तो उठा के लाओ ना। मेरा नाम शोभा, हम लड़के ना। शोभा, आज सुबह से तुम्हारी पेरिस की फ्लाइट थी क्या? एयरपोर्ट गई थी मगर फ्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? अच्छा, तो तुम ये सोच के आए होगे कि ये फ्लाइट खाली होगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, फ्लाइट नहीं, मैं समझ गई, मैं समझ गई। अपने जबान को ज्यादा तकलीफ ना दो, दरवाजा बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। बैठे ना। क्या है शोभा की? मेरे सारी दुनिया देख रही है, एयर होस्टेस होने का यही तो फायदा है। मेरे बातों का बुरा नहीं मानना नीता, तुम यहाँ बड़े शौक से रह सकते। देखा मैंने कहा नहीं था? अरे इसका दिल इस फ्लैट से कहीं बाहर, लेकिन बेडरूम शेयर करनी पड़ेगी। हाँ बेडरूम शेयर करना पड़ेगा। मैं तुमसे कह रहा था कि हम नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो आराम से। गाड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो, नहीं खरीदी है क्या? अरे नहीं नहीं खरीदी बाबा, मेरा बॉस जो है ना वो सेकंड सेकंड का हिसाब लेता है। तो क्या हुआ, आज के दिन मेरे लिए डांट खाना। मैंने जो आप लोगों को आजादी दे रखी उसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ये भी भूल जाएं कि मुल्कों की तरह दफ्तरों में भी एक तहजीब होती, एक प्रिंसिपल होता है, और हम सबको उस तहजीब का आदर करना चाहिए। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये एक नेशनल एडवर्टाइजिंग कंसर्न है और हम सब लोग उस तहजीब के वारिस हैं। रिवाज शीशे की तरह नाजुक होते और आप सब लोग उन्हीं रिवाजों को इस ऑफिस के फर्श पर पटक कर चूर चूर कर रहे हैं। आप क्या ढूंढ रहे? चूरा सर। शट अप एंड गो बैक टू योर सीट, रेडी फूड।
आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें आजाद हुए 25 साल हो गए और हमें हर काम को अपना काम समझ कर करना चाहिए और काम से चोरी नहीं करनी चाहिए। Who's this GD Chaturvedi? सर, ये मेरी नेम प्लेट है। ये आपकी नेम प्लेट है? इसे हिंदी में लिखवाई और पूरा नाम लिखवाई। गोवर्धन लिखवाऊंगा तो लोग हंसेंगे सर। हंसेंगे? हाँ। कौन हंसेगा? नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे तो कोई नहीं हंसेगा सर, नाम तो बहुत उम्दा है। आप ये सारी नेम प्लेट बदल जाए, मुझे अधूरे नाम, अधूरे लोग और अधूरे काम बिल्कुल पसंद नहीं। जय कहा? वो अभी तक नहीं आए सर। नहीं आए? क्यों नहीं आए? अभी तक नहीं आया सर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, जैसे ही वो आए उसे अंदर भेज देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो बेचारी दुनिया में बिल्कुल अकेली है सर। और जो क्या कौन बेचारी? हाँ, वही तो मैं आपसे कहने जा रहा था। इस दुनिया में भी कैसे कैसे बेहाल लोग रहते हैं। बेचारी का सामान उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। अब आप ही बताइए वो हमारे देश के बारे में क्या सोचेगी। मिस्टर जय, वो कुछ सोचेगी तो नहीं, हम लोग तो कुछ सोचते भी नहीं। हाँ, आजकल के लड़के कलमों में खाद देते रहते हैं और लड़कियां फिल्म स्टार्स के सपने देखती रहती। दूसरों के दर्द में दुखने की हमारे दिलों में फुर्सत ही कहाँ। अब मेरा दिल तो बहुत दुखता है सर, इसलिए तो लेट हो गया। लेट हो गया? लेट होने में और दिलों के दुखने में क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है सर। अब आप ही बताइए। मैं उसे फुटपाथ पर अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, उसे हॉस्टल में दाखिल कराने गया इसीलिए देर हो गई। और मैंने तो उससे ये भी कह दिया है कि आप उसे इसी फॉर्म में रख लेंगे। नो नो नो, आई कांट प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता। क्या ढूंढ रहे? लड़की। लड़की? लड़की तुम्हारे पॉकेट में नहीं हो सकती है सर। मैं मतलब लड़की नहीं, फोटोग्राफ। ये सपनों की रानी कैंपेन के लिए कैसी रहेगी? ठीक है, लेकिन फोटो से आदमी का कहीं पता नहीं चलता। तो वैसे क्यों नहीं करते, कल इसे यहीं बुला लो, यहाँ नहीं तो कहीं और लगा देंगे। थैंक यू सर। और हाँ जी, मैं तुम्हें वादा नहीं कर रहा हूँ। यस सर, आई मीन नो सर। तुम्हारा करियर भी तुम्हारे फ्लैट की चाबी से ही खुले। ये चाबी तुम्हारे प्रमोशन की कीमत है। लेकिन सर वो लेकिन छोड़ो, अगर आत्मा कुछ गड़बड़ करे तो डांटो उसे। यस सर, पर आत्मा को बोलने का तो समय ही नहीं मिलता सर। आधी रात के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो स्लीपिंग पिल लेकर सो जाता हूँ। बचा दिन, दिन को इतना हंगामा रहता है कि बेचारी आत्मा पास आते डरती है। देखो जय, अगर दुनिया में तरक्की करना चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखो, और वो ये कि इस दुनिया में पैसे के सिवा हर चीज नकली है, क्योंकि पैसा इंसान से लेकर भगवान तक हर चीज खरीद सकता है। इस दुनिया में हर चीज बिकती है। यस सर। लेकिन इस व्यापार का सबसे बड़ा दुश्मन दिल होता है। लोग माँ बाप, बहन भाई, प्यार लगाव, इन बातों में आकर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। यस सर। आई से वाई हैव अ वाइफ ही, पत्नी की क्या जरूरत है जी? ए भाई, जब पर्स की छोटी सी जेब में दुनिया की सारी रंगीनियां नजर आती हैं, तो घर बचाने की जरूरत क्या है। लेकिन सर, शादी तो एक पवित्र बंधन होता है। पवित्रता माई फुट, प्यार और मोहब्बत का कोई मतलब ही नहीं। खैर छोड़ो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। नो सर। यस सर। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस सर। लेकिन सर, आपके पास जब इतना बड़ा घर है तो आप आप मेरे फ्लैट को। हाँ, लेकिन जिस घर में माँ रहती हो ना, वो घर कभी इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई आजादी से रह सके। बाय द वे, तुम्हारी माँ जिंदा है? नो सर। खुश नसीब, क्योंकि बैचलर बेटे की जिंदगी में माँ सबसे बोरिंग चीज होती है। जी जी जी। लिखो। यस सर। आज आप इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे 20 साल पहले मैं और ज्यादा स्मार्ट लगता था। जरूर लगते होंगे।
तुम्हारे दांत पे दांत कैसा लगा? देखो डार्लिंग, इतनी मर्तबा कहा है कि प्यास खा के प्यार मत किया करो। वेरी सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं तुम्हारी बीवी को खत लिखे देती हूँ कि वो तुम्हें मुँह हाथ धुलाकर अच्छी तरह से भेजा करे। ओ, हजार बार तुमसे कहा कि ऐसे नाजुक वक्त पर मेरी बीवी का नाम मत लिया करो। मेरी आंखों के सामने बीवी बच्चों की तस्वीर घूमने लगती है। लेकिन सर ये कागज बहुत जरूरी है, आप इन्हें जरूर देखें। हाँ, देख लूंगा। अच्छा सुनो तो सही, जय मेरा गुस्सा क्या हुआ? किसका? मेरी दवाई का। दवाई? आज तो मिस्टर दिनेश दत्त। दिनेश दत्त की बारी? अरे ये दिनेश भी अजीब आदमी है, हमेशा बीच में आटा पकता है। तुम रोज रोज उसे देते क्यों हो? रोज रोज कहाँ सर, आखिरकार वो भी तो मेरा बॉस है। अरे मैं भी तो तुम्हारा बॉस हूँ। खैर कोई बात नहीं, कितने बजे आएगा? कितने बजे? दस बजे तक। तो दस बजे तक आएंगे। दस बजे तक? अच्छा कोई बात नहीं, मैं 11 बजे आऊंगा। नहीं सर, माफ कीजिए, मुझ पर थोड़ी देर कीजिए, आखिरकार मुझे भी सोना होता है। रोज रोज आप? अरे रोज रोज? हाँ मैं तो कभी कभार आता हूँ। प्लीज जय। हाय जय। मॉर्निंग सर। नमस्ते यार, तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए। क्या करूं, ऑर्डर लेने का काम आजकल दिनेश साहब के पास चला गया। अरे यार दोस्ती भी कोई चीज होती है, आज सुबह से तुम बहुत याद आ रहे। ये तो आपकी मेहरबानी है, पर चाबी आज दिनेश साहब के पास। दिनेश के पास? यार खैर कोई बात, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे हाँ, ये पेपर्स तुम अपने दोस्त अरुण को लौटा देना। माना कि वो एक महान साहित्यकार है, पर हमें इश्तिहार लिखवाने होते हैं, साहित्य नहीं। तुम वही बात क्यों पूछते हो जिसका जवाब तुम्हें मालूम है? शायद मुझे शर्मिंदा होने का बहुत शौक है तनु, या शायद मैं इस उम्मीद में हूं कि तुम मेरे इस सवाल का कोई और जवाब दे डालो, या शायद मैं ये देखना चाहता हूं कि प्यार की खार कितनी मोटी है, या शायद तुम ये देखना चाहती हो कि आदमी इस बेदर्द शायद के सहारे कब तक जिंदा रह सकता है। चलो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। बेहद प्यार नहीं, मुझसे हमदर्दी थी। मुझसे शादी करके तुम अपने आप को यकीन दिलाना चाहते थे कि तुम एक महान आदमी हो। तनु, ओह तुमने तो मुझे देर करा दी, मैं जाती हूँ। भाई वाह, आज मालूम पड़ा कि इस घर में वाकई मेरा इंतजार होता है। घंटी दबाई नहीं और दरवाजा खुल गया। सॉरी डे, मैं तो रुक ही नहीं सकती, पर तुम अंदर तो आओ। अरुण है? मेरा रास्ता तो छोड़िए। हाय अरुण द ग्रेट। और बे मौके क्यों, क्या हुआ? होना क्या है यार, मुझे तनु हो गई। कुछ भी कहो अरुण, सच्चाई तो यह है कि तुम्हें तनु का नाचना गाना पसंद है। रोक दो, अरे इनकम बढ़ जाए तो उसे डांट करो। लेकिन जय, मेरी मजबूरी को जानते हुए तुम मुझे बार बार खतरा जलील क्यों करते हो? क्या मिलता है तुम्हें? देखो अरुण, पत्नी के टुकड़ों पर पलना बड़ी बेशर्मी की बात है। तुम्हारे कलम की स्याही भी तुम्हारी पत्नी की कमाई से खरीदी है। जय, जय को अपनी आवाज का पत्थर मत मारो। दूसरों की देवताई पर रोक झाड़ने से पहले यह तो सोच लिया होता कि तुम क्या थे और क्या होकर रह गए। अरुण, हवा के घोड़े से उतरो और चलो इश्तिहार लिखना सीखो। इश्तिहार? यानी अपने आप को बेचना सीखो? जी हाँ। नहीं जय, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बिकने को तैयार हूँ। तुम्हारी कीमत अदा करके भी तुम्हें पाना बहुत मुश्किल। तुम्हारी जवानी की आँच मेरे सीने में लग रही है, फिर भी लगता है तुम पास नहीं, क्योंकि यह सौदा दिल का नहीं। दिल का सौदा मैं करती भी नहीं, ये सौदा सिर्फ बदन का है। मेरे दिल का आईना तो बहुत पहले टूट चुका है, अब तो सिर्फ अच्छा तो ये तुम्हारा रेडियो है, वहां का प्रोग्राम यहाँ ये हो रहा है।
जरा पंखा चला दो ना। पंखा? बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी? गर्मी कहाँ हो रही है? कहते तो साले सब है कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, मुझे तो भाई अपनी नींद चाहिए। अरे I'm very sorry. ये मैं किसके फ्लैट में घुसा है? रात के लोग घर आते हैं और तुम भागते हो। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसी फ्लोर पर रहते हैं क्या? और क्या, जय आराम दे बिस्तर पर इतनी गहरी नींद न सोना कि फिर आंखें न खुले। दिनेश दत्त, गोवर्धन सिंह, जग्गी कपूर। वाह मेरे भाई, अरे अपनी नींद गिरवी रखे तो मैंने ये फ्लैट लिया, मैं कैसे सो सकता हूं? चाहिए? You are very kind. तुमने मुझे बहुत सताया, मेरी रातों की नींद हराम कर दी। ऐसा तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। या तकिया कर लो या फोन, देखते क्या हो। यहाँ और क्या करूं, जरा इसे संभालो ना। हेलो माता जी। माता जी, माता जी का देहांत हो गया। साले अपनी माँ का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रखते। रख दिया। क्या है? मैं गोवर्धन बोल रहा हूँ माता जी। गोबर? ओह सर देखिए मुझे बड़ी नींद आ रही है, माफ कीजिएगा। सुनिए तो माता जी, आप तो मजाक करने लगे। ओहो अब बस भी करो ना, मैं तो खड़ी खड़ी सूख रही हूँ। तुम जरा बाहर जाओ। क्या? अरे ये तो मेरा ही घर है, आप मुझे इस तरह बाहर जाने को कह रहे हैं? यू आर ऑर्डरिंग मी? जी नहीं, साथ में कोई है। मैं भला आपको ऑर्डर कर सकता हूँ? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती आपको? आपके पास पांच बच्चे हैं, फिर भी ये सब लगता है? अरे अगर शर्म आती ये सब करता ही क्यों? प्लीज आप ही जरा सोचिए ना। ओके जल्दी आइए और जल्दी जाइए। बात सुन रहे हो, माँ बच्चा दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। क्या करना चाहिए मुझे? कम से कम अगला बच्चा तो 3-4 साल के लिए रोक सकते। अरे अरे मुंह क्या देखता है, 41 नंबर में रहते हैं साहब। हमको 4 आदमी से जाते रहने का ऑर्डर नहीं है। कैसा बेवकूफ आदमी है, लिली को लेकर हम तो सिर्फ 3 ही आदमी है। ये भी ठीक है लेकिन साहब आप तो मेरे साथ 1, हम दो, टोटल 5 आदमी होते हैं। हमने कुछ छोड़ दिया। कैसा बकवास करता है, मैं उठा को लेकर मैं ले जाता हूँ। लेकिन साहब ये लिफ्ट थोड़ी खराब है, ऊपर के बदले नीचे भी जाती है, कभी कभी बीच में अटक भी जाती है। अटक भी जाती है? अच्छा तो ऐसा करो तुम ही मेरे साथ को लेके जाओ, मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाता हूँ। अरे तुम माल आए हो? कौन है भाई? मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ बेकार बैठे क्यों हो? मैं बैठा तो मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है अपने घर चले जाओ। हवलदार साहब मैं घंटे भर के लिए घर नहीं जाऊँ। झगड़ा क्या झगड़ा नहीं तो पिछले जाओ अपने घर, वरना बड़े घर में बंद कर दूंगा, समझे?
मालूम होता है कि तुम स्मगलर हो। अरे अरे मैं स्मगलर की औरत मैं बैठा हुआ था इसे चला आया। सुनो 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 सुनो, तुम पहले पंचनामा करो, पहले पंचनामा करो, पहले ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम क्या और तुम्हारे। बोलो। मेरा नाम है बेकल चिरैया गोटी वाला। बेकल? बेकल नहीं, बेकल चिरैया गोटी वाला। हो गया। नवा नाम? जी, दरअसल मैं फिल्मों में डायलॉग लिखता हूँ, इसलिए उधर बैठे। फिल्मों में डायलॉग लिखते हो? अरे कमाल आपने किया। आइए 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 बैठिए बच्चे, पहले आपने मुझे क्यों नहीं कहा? तो आप भी फिल्म में लिखते हैं? माफ करना भैया, मैंने क्या क्या करना जाने क्या कह दिया, आपको स्मगलर समझ। कोई बात नहीं, होता वैसे हम राइटर भी थोड़े बहुत स्मगलर ही होते हैं। अच्छा, तो राइटर भी यहाँ वहाँ से मान लेते हैं। वैसा मेरी भी स्टोरी कहीं चिपका दीजिए ना। हाँ, मैंने स्टोरी लिखी है, डायलॉग मेरे, गाने मेरे हैं, मगर मैं तुम्हारे पेट पे लात मारना नहीं चाहता। स्टोरी मेरी, गाने और डायलॉग तुम्हारे, मेरी बिगनिंग सुनी। जरा सर्दी है ना। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, आइए। Come in, please. Miss Neeta Sinha. She's a nice girl. Please sit down. Yes, please, sir. Please start. बेचारे एकदम अकेली है सर, एकदम अकेली है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं। अगर मिस्टर चैन मिल गए होते तो मैं अब तक गुम हो चुकी होती। नो मिस सिन्हा, गुम सिर्फ वही लोग होते हैं जो गुम होना चाहते हैं, और जो गुम होना चाहते हैं वो सीधे रास्ते पर भी गुम हो जाते हैं। जी हाँ। और इसके लेकिन मैं गुम होना नहीं चाहती, मुझे किसी काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकती। अरे जैने आपको बताया नहीं कि आप क्या कर सकती, ये बात तो कर ही तय हो चुकी है। क्यों जय? लेकिन सर आपने तो कहा था कि मैं पिछले चार महीनों से मुझे आप जैसी लड़की की तलाश, ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मॉडर्न सोसाइटी की छाप ना हो, जिसकी आंखें ऐसी हो जैसे अभी अभी सपना देख रही थी, होंठ ऐसे हो जैसे अभी अभी मुस्कुराहट गुजर गई थी इन पर से। यू आर माई ड्रीम गर्ल, आप मेरे सपनों की रानी है। मैं समझी नहीं। तो मैं समझाता हूँ। अरे आप तो नाराज हो गई, दरअसल मैं तो बिजनेस की बात कर रहा था, अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग की। आई एम सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी तो मैं हूँ। यस सर, वेल देन इट इज सेटल्ड, आप मेरी ड्रीम गर्ल बनेगी। जरूर बनूंगी। वेलकम टू द फैमिली। साइन फॉर गुड मैन। इस माहौल में, इस बाजार में मेरी कदर, मेरे आज की कदर, मेरे जज्बात की कदर कोई नहीं जानता। यू आर क्वाइट राइट सर। शट अप। शट अप। आपने बालों में कंघी की थी क्या? बाल ठीक हो गए सर? नहीं तो कंघी तो नहीं की मैंने। नाउ नाउ यू आर लुकिंग जीनियस जीनियस। थैंक यू। गुड सर। गुड मॉर्निंग। ये मिस नीता सिन्हा है, मिस्टर चौधरी ने इन्हें सपनों की रानी बनाने का फैसला किया। चौधरी साहब का फैसला करने में क्या जाता है? चेहरा बेजान, आंखें वीरान, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं जरा लाइट चेक कर रहा था। लाइट चेक कर रहे थे? शी इज ब्यूटीफुल। आप जाइए अपना काम कीजिए। आउट आउट। जय, इन आंखों में रंग और इन होठों में शहद खोलना कोई आसान काम नहीं। सर आप बहुत सही जा रहे हैं। थैंक यू। जय, ये लड़की मेरे सपनों के नहीं बन सकती, फिर भी अगर चौधरी साहब का फैसला है तो मुझे कुछ फिल्में खराब करनी पड़ेंगी। सर कुछ खराब कर ही दीजिए सर। मैं भी आया। यस सर। अरे आप तो फिर से रोने लगी। रोइए मत, देखिए हम लोग तो रास्ते के पत्थर हैं, ठोकरे खाना हमारी तकदीर है। आप यहीं ठहरिए, मुझे डर लगता है। मैं यहाँ रह के भी तो कुछ नहीं कर सकता, कपूर साहब मेरे बॉस हैं। जय, आप क्या समझा रहे हैं? जी वो मैं जरा इन्हें हौसला दे रहा था। इन्हें जो कुछ देना है वो मैं दूंगा,
Please get lost. Please get lost. आप जी मैरी जी सर सर यू आर जीनियस सर यू आर जीनियस थैंक यू वेलकम मिस सिन्हा मॉडल से काम लेने के लिए पहले उससे जान लेना उसे अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी होता है और खास तौर पे मेरे दर्जे के आर्टिस्ट के लिए मिस सिन्हा मुझसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे सपनों की रानी बनना चाहती हो तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो मॉडल बनने के लिए आबरू की रिश्वत देना जरूरी है क्या आबरू आबरू किस चिड़िया का नाम है आबरू बदन में नहीं दिमाग में होती ये रिश्वत देकर मुझे सपनों की रानी नहीं बनना है नहीं बनना चाहती तो जाइए किसी आश्रम में आबरू की माला जपिए इस दुनिया में कहना मानने वाली लड़कियों की कमी नहीं इसलिए ना आपके घर आ जाइए जैसे वो जैसे मिस्टर कपूर आप किस किस्म के आर्टिस्ट हैं जो दूसरों के दिल का दर्द और जिंदगी की मजबूरियां नहीं समझते कोई लड़की मॉडल बनकर पैदा नहीं होती उसे ट्रेनिंग दी जाती है उस पर मेहनत की जाती है उसे यूं शरीर और बेआबरू नहीं किया जाता आप शायद ये नहीं जानते मिस्टर कपूर कि जब इंसान का दिल बात दुखता है तभी वो रोता है मैंने इन्हें आपके पास इसलिए नहीं भेजा था कि आप इन्हें रुलाए जब मैंने आपको ये कह दिया कि ये सपनों की रानी बनेगी तो ये सपनों की रानी बनेगी इज दैट क्लियर मिस्टर कपूर यस सर एंड दैट इज फाइन मिस्टर आप सर बाहर जाइए मैं भी आता हूं लेकिन सर इस लड़की में यकीन मानिए सर भी कह रहे नहीं मैंने आपसे मिस्टर के बारे में कुछ नहीं पूछा इवान योर ओन बिजनेस आपसे जो कुछ कहा जाता है आप सिर्फ वही कीजिए जी बहुत अच्छा मिस्टर ना चलिए आप मेरे साथ आज ही पार्टी से मिलकर सारी बात पक्की कर लेते हैं Am I supposed to touch up my case? Let me see. Dreams check trigger में नहीं होते शादी अपनी जगह पे ब्यूटी होती है चलो अजय तुम भी साथ चलो शायद रास्ते में कोई काम पड़ जाए गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुम कहाँ जा रहे हो हाँ? जी अभी तो आपने ऊपर कहा किसने कहा बाबा जाओ ऑफिस में बहुत काम होगा गो बैक मेरे पीछे पीछे आने से क्या फायदा गो बैक अब तक आप कहां छिपी हुई थी मिस सिन्हा मैं सपनों की रानी आप ही बनेंगी गुड गुड वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं आप मेरी शामों में क्या दिलचस्पी हो सकती है आपको दूसरे के शामों को अपनी शाम बनाने का मुझे बड़ा शौक है एक्सक्यूज मी रमेश सर एक मिनट बात सुनो जस्ट वन मोमेंट प्लीज हाँ तो बात यह है रमेश मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अबे ये क्या हरकत है चोर भी चोरी करता है तो साथ कर छोड़ के करता है अम्मा तो पहले ही क्यों नहीं बताया तो फिर ये तय रहा मिस सिन्हा कि आप रंजीत के सपनों की रानी बनेंगे आई अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच रमेश थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ मैं सो नहीं रहा था सर नहीं मैं हूँ क्या कर रहे थे आप चलिए देखिए ऑफिस बंद हो रहा है ओह मैं इतनी देर सोता सोने के लिए भगवान ने घर बनाया है हाँ हाँ लेकिन क्या है कि मुझे रात को जागने की बड़ा शौक है किसी के ना मत है मुझे इस ऑफिस में सोने के लिए ही तनख्वाह देते हैं अरे आपको तो हरारत लग रही है प्लीज आप मुझे आराम करने दीजिए बिल्कुल नहीं आप सीधे जाएंगे अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास उसके बाद घर देखो मेरे घर का रास्ता जो है ना बहुत टेढ़ा है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है तो चलिए ना मेरे साथ शॉपिंग करने को चौधरी साहब ने कुछ पैसे दिए हैं कुछ ड्रेसेस खरीदनी है चलिए ना अच्छा
चलिए चलिए। क्या कर रहे हो शाम को? कुछ नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है। चलो आओ कहीं घूम आए। मेरे टांगों में बहुत दर्द है। हाँ, you have got fine legs. काश मैं तुम्हारी टांगों का दर्द होता। चलो बैठकर कहीं कॉफी पियेंगे। मैं कॉफी नहीं पीती। कोका कोला, फैंटा, ऑरेंज कुछ तो पीती हो? ये सब पीने से मुझे उल्टी होती है। Damn it! दीजिए दवा खाइए। मगर अगर कुछ नहीं। अरे बाबा पानी तो पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। मुंह खोलिए। एक बात बताऊं आपको, आज पहली दफे मालूम पड़ा कि दांत खाने में कितना मजा आता है। रहने दीजिए, आप बहुत बातें कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? देखिए खाना भी हो गया है, दवाई भी खा ली, अब चलें। नहीं, ये दांत देखिए। कौन सा दांत? लेडी जेंटलमैन, अभी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कैबरे आइटम पेश कर रही हैं मिस तन्नु। नौकरी की तलाश में मैं ऑफिस ऑफिस थकी, मगर मगर जिसने डाली बुरी नजर डाली ना जय साहब के सिवा, इन्होंने ही मुझे सहारा दिया और इन्हीं के सहारे मैं उनसे मिली जिनसे शायद मेरी जिंदगी का रुख ही बदल जाए। मैं इनकी बहुत एहसान मंद हूँ। अभी तक तुम लोगों की चक्की चली नहीं है, मेरे गले का तो आपको जरा भी ख्याल नहीं। डॉक्टर के पास चलना। चलिए आ जाता हूँ। बाय। डॉक्टर साहब है? अंदर आओ ना। ओह नो। बचाओ! जय भगवान।
सुनीता नौकरी मिल गई? हाँ नौकरी तो मिल गई, मगर मगर क्या? मिठाई खिलाओ। क्या बात है नीता, चुप क्यों हो गई? वो मेरा बदन ऐसे टटोल रहा था जैसे कि क्या? जय नहीं था वहाँ? जय बेचारे क्या करते, वो तो उनका बॉस था। आए मौके पर चौधरी साहब नहीं आ गए होते तो ये नौकरी बहुत महंगी पड़ गई होती। देखो ना जिंदगी भी कितनी अजीब है शोभा, कल तक मैं बिल्कुल बेसहारा और बिल्कुल अकेली थी, आज देखो मेरे पास एक अच्छा दोस्त भी है और एक अच्छा सहारा भी। सहारा? चौधरी साहब कितने अच्छे आदमी हैं। प्लीज लेट्स टॉक, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तुम ड्रीम गर्ल हो जाओगी, फिल्म स्टार बन जाओगी, फिर तुम्हारे पास रुपया होगा, मोटर गाड़ियां होंगी, आलीशान बंगलो होगा, लाखों चाहने वाले होंगे और फिर ग्लैमर की तेज रोशनी में तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। अरे अरे ये क्या पागलपन, तुम्हारी आंखों में आंसू? फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा बाबा मान लिया कि तुम हमें नहीं भूलोगे, लेकिन तुम इस दुनिया को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हो जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। हर कोई काम निकल जाने के बाद दूसरे को भूल जाता है। मैं तो बुरी बात तक नहीं भूल पाती, तो आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरी जिंदगी की पहली अच्छी बात। थैंक्स लॉर्ड, थैंक्स लॉर्ड। लेकिन तुम्हें रोना नहीं चाहिए, देखो ना तुमने मेरी सारी शाम को अफसर कर दिया। आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी होने से क्या होगा, जाती हूँ मुझे मूड ठीक करने के लिए चार गानों वाली, छह नाच वाली और पांच साइड्स वाली और दो मर्डर वाली सोशल फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं इस मामले में मैं बहुत कंजूस आदमी, अपने गमों में किसी और को शामिल नहीं करता। आप न कीजिए, मैं खुद शामिल हो जाऊंगी। जिद न करो। मैं जिद नहीं कर रही, जिसे आप जिद समझ रहे हैं वो मेरा अधिकार है। मुझे क्या कह रही हो तुम? आपने मुझे इतनी खुशी दी है कि आपके गमों में शामिल होना मेरा फर्ज है। सच? पहले मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए, फिर जो जी में आए कहिए, मैं जीवन के अंत तक आंखें बंद किए सुनती रहूंगी। तुम सोचती क्यों नहीं नीता, इस तरह दो जवान दिलों का मिलना, मेरे कहने का मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिल बह भी तो सकता है। हाँ बह सकता है, लेकिन प्यार करने वाले ये सब कुछ सोचने लगे तो हो चुका प्यार। वो तो ठीक है, लेकिन प्यार करने का ये मतलब नहीं कि जंगल में आग लगा दें और फिर अपने जलने का तमाशा देख रहे हैं। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मेरी बात तो समझिए प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी, छोड़ूंगी। तुम दूर न जाना पास ही रहना, और संग लागे मेरे नैना नहीं देना, तोरे संग लागे मेरे नैना नहीं देना। सुहाने दिल है दीवाने, छोड़ो बहाने, तोरी अखियों में तो हाँ है वो टूटे है ना, तोरी अखियों में तो हाँ है वो टूटे है ना।
तो कहो काहे खोई हुई हो, कुछ तो कहो काहे खोई हुई हो, जागी हुई हो के सोई हुई हो। दिल की ये धड़कन कहती है साजन, मैं तोरे कारण ऐसे तोड़ पूरे जैसे पिंजरी में मैना, ऐसे तोड़ पूरे जैसे पिंजरी में मैना। इब तुम दूर न जाना पास ही रहना, दौड़ ने मुझे बिल्कुल थका दिया है। नीता अगर आज पिक्चर ना जाए तो कोई हर्च है क्या? तो फिर क्या करेंगे? तुम्हारे आंसुओं ने जो मुझे गम दिए हैं ना, मैं उन्हें भुला देना चाहता हूँ। मतलब? आज मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ जिन्हें सुनते सुनते तुम थक जाओगी। मैं कभी नहीं थकूंगी। ये बिजनेस की बातें नहीं है, मेरी अपनी बातें। ना जाने तुम्हें मेरी इन फजूल बातों में दिलचस्पी भी होगी या नहीं। क्यों नहीं होगी, मैं आपकी हर एक बात सुनूंगी। बैठो। जब तुम मेरे पास होती हो ना, तुम अपने आप को आजाद महसूस करने लगता हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने आप से सच बोल रहा हूँ मीता। इतने दिनों तक तो हम सिर्फ दोस्त थे, न जाने ये दोस्ती का प्यार बन गई। प्यार? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी खुश नसीब हूँ। एक बात कहो नीता। कही? इस माहौल में, शोरगुल में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पार्क्स में कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। हमें कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं। मगर इस शहर में ऐसी जगह मिलती कहाँ है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने पॉपुलर हो गए होगे। सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते? चतुर्वेदी साहब, कपूर साहब और दिनेश तो तुम्हारी बहुत ही तारीफ करता है। सभी लोग तुम्हें प्रमोशन दिलवाने पर तुले। यस सर, ये तो उन लोगों का बड़ापन है। हाँ हाँ, बड़ापन तो है लेकिन इतनी जबरदस्त पॉपुलरिटी का राज क्या है, क्या तुम बता सकते? जी मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। कई महीनों से किसी फ्लैट की चाबी हमारे ऑफिस में घूम रही है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? चाबी क्या है सर कि मैं उनसे ये रिफ्यूज तो कर नहीं सकता ये चाबी, क्योंकि वो लोग मेरे बॉस हैं आफ्टर ऑल। अगर आप चाहें तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। कैसी बातें करते हो सर, मैं तुमसे बॉस की हैसियत से नहीं, ये दोस्त की हैसियत से बातें कर रहा हूँ और वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। तुमने दस्तक देखी? जी जी नहीं सर, दस्तक नहीं देखी। नहीं देखी? देखनी चाहिए। न्यू वेव की फिल्म को इनकरेज करना हमारा फर्ज है, जा जा देखो। दो चार रोज में देखने जाऊंगा सर, आजकल उसके टिकट ब्लैक में जा रहे हैं। दरअसल मैं आज खुद जाने वाला था, जाओ किसी को साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच सर, लेकिन क्या है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर जाके सोना चाहता हूँ। वैसे पिक्चर अच्छी है, आपको आपको देखनी चाहिए। बात को समझा कर, मुझे आज शाम को एक बहुत जरूरी प्राइवेट मीटिंग करनी है। शाम सर पर खड़ी है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मीटिंग कहाँ करूं। घर में कर नहीं सकता क्योंकि वहां लोग वक्त पे वक्त आता करते हैं, वो
होटल जा नहीं सकता, लोग वहां पहचानते हैं, फिर वहां खुलकर बात भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों की भी कैसी कैसी परेशानियां होती हैं सर। बड़े छोटे क्या भाई, इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी से छोटा होता है। जय, तुम्हें ये पिक्चर देख लेनी चाहिए ताकि मैं आज शाम की मीटिंग तुम्हारे फ्लैट में कर सकूं। जी मैं समझा नहीं सर। समझ में नहीं आता कि जिसके बारे में दिनेश इतनी हाई ओपिनियन रखता है वो क्लर्की क्यों कर रहा है। दरअसल हमें बहुत दिनों से एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कि हमारे सारे सेक्शन के काम संभाल सके। मेरा ख्याल में तुम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सर, यू हैव ऑलरेडी थैंक मी। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन किसी और रास्ते से ऑफिस चला गया होता तो आपसे मुलाकात नहीं हुई होती, और अगर आपसे मुलाकात नहीं हुई होती तो आज हम लोग यहाँ खड़े होकर मूंगफली ना खाते होते। जिंदगी भी क्या चीज है, बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है। आप तो मूंगफली खाने की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो। मूंगफली खाने में क्या रखा है? रखा तो किसी बात में कुछ भी नहीं है जी। मतलब की बात तो भूल ही गए। बॉस ने 2 टिकट दिए हैं 10 तक, इसलिए यहां से हम लोग पहले जाएंगे खाना खाने, उसके बाद पिक्चर। लेकिन पहले खाना उसके बाद पिक्चर। मुझे तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया, आज खाना रहने दीजिए, मैं सीधी पिक्चर हॉल पर आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी नहीं, चने बेच रहा हूं। आपके हाथ में 2-3 टिकटें देखी इसलिए पूछा। देखिए भाई साहब, इस गवर्नमेंट ने कोई कानून पास नहीं किया कि एक आदमी 2-3 टिकट नहीं खरीद सकता। गो टू हाल मान, बहुत अच्छी जगह है, आप चलेंगे मेरे साथ? ही इज वेरी रूड डार्लिंग। बड़ा बदतमीज आदमी है छोटी, यू आर राइट। सच मानो नीता, जब से तुम मिली हो जीने को जी जाने लगा है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जो मुझे सपने दिखाने लगते हैं? यही सपने तो असल चीज है नीता, सपने निकल जाए तो जिंदगी में रह क्या जाएगा। मगर ये तो बताइए कि कब तक सपनों में मैं अपना घर बनाती बिगाड़ती रहूं? मैंने कहा ना, इंतजार कुछ लोगों की तकदीर होता है। मगर इंतजार की भी तो हद होती है ना। आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले चलते? क्या पता लोग मुझे वहाँ कबूल करेंगे भी या नहीं। जिसे मैंने कबूल कर लिया नीता, उसे मेरे घर वालों को भी कबूल करना ही पड़ेगा। तो फिर मुझे उन लोगों से मिलाते क्यों नहीं? तुम्हारी उंगलियां कितनी खूबसूरत है। मैं अपने घर की बात कर रही थी। घर? घर भी बन जाएगा नीता। तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? कब बनेगा घर? घर एक दिन में नहीं बनता नीता, उसके लिए एक एक ईंट को सजाना पड़ता है। देखो तू, तुम्हारी उंगलियों में ये अंगूठी कैसे लगती है? पसंद है? बहुत पसंद है। सर, पिक्चर शुरू हो गई है, अगर आप नहीं जा रहे तो कम से कम ये टिकटें मुझे ब्लैक में ही दे दीजिए। देखिए भाई साहब, ये टिकटें ब्लैक में बेचने के लिए नहीं है, इंतजार करके फाड़ देने के लिए, समझे? लगता है प्यार काम आ रहा है। यस, यू आर राइट। ये लीजिए लेटर। किसने लिखा? मैंने। आपने? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, इसमें लिख दिया है। लगता है बहुत नाराज है। ओह, रियली आई एम वेरी सॉरी। पहले कभी किसी का इंतजार नहीं किया था, इसलिए तकलीफ हुई। अगली बार तकलीफ नहीं होगी। यकीन कीजिए, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। दरवाजा खुला है। अब मुझे दरवाजा के खुलने और बंद होने की आवाज अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्या है कि दरवाजा के बंद होने पे तनु के आने पर उठ के दरवाजा खोलना पड़ेगा, और फिर उसे गई रात न जाने कहां से लौट कर आता हुआ देखना पड़ेगा। भाई अरुण, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम तनु पर रोते क्यों नहीं? तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आती जय कि तुमने किसी से प्यार किया ही नहीं। मैं उससे प्यार करता हूं, सोचता था मेरे प्यार से उसके दिल के घाव भर जाएंगे।
लेकिन नहीं, वो जख्म अच्छा होने की जगह और बिगड़ता चला गया। उसने किसी और के पांव से गिरकर मेरे हाथ थाम लिए। मेरा ख्याल था वो भूल जाएगी, लेकिन नहीं, ना वो भूल सकी ना मैं। न जाने हम दोनों के बीच में कैसी दीवार, मैं हार गया जैक, बुरी तरह हार गया। प्यार कभी नहीं हारता। तुम क्या जानो यार, पहले किसी के फिराक में जागना, मगर यार प्यार में अगर मगर की गुंजाइश होती ही नहीं। तुम किसी से प्यार करोगे जैक, तब पता चलेगा। मोहब्बत हार मान लेने की बात को खूबसूरत तरीके से कह देने का एक अंदाज है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं? कौन है वो? होगी कोई, मगर वो भी तुमसे प्यार करती है? पूछा नहीं यार, तो पूछ लो, फौरन पूछ लो। देखो अभी पूछ लो तो ठीक रहेगा, बाद में दिल को ज्यादा तकलीफ नहीं। अच्छा बाबा, पूछ लेंगे, कल ही पूछ लेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, ये बात पूछी कैसे जाती? शायरी वायरी करने की जरूरत नहीं भैया, जहां तक मेरा तजुर्बा है, शायरी में सवाल करोगे तो जवाब दर्द में मिलेगा। सीधे सीधे उसे पूछ डालो, क्या तुम उससे प्यार करती हो? कहिए। आज मैं बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। बड़ी उलझन, वेरी गुड। पढ़ना ही है तो फिर छोटी उलझन में क्यों पड़े? यहाँ बंबई में आपके सिवा मेरा है ही कौन जिसे मैं अपने दिल की बात बता सकूं? दिल की बात? अरे दिल की बात पर याद आया, मेरे दोस्त का कहना है कि अगर दिल की बात शायरी में पूछोगे तो दर्द में जवाब मिलेगा। लेकिन आज मैं दिल की बात शायरी में पूछने वाला हूँ, भले ही दर्द में जवाब मिले। शायरी में? और क्या, आप शायरी भी करते हैं? नेचुरली नेचुरली। मोहब्बत गालिब को निकम्मा बाद में बनाती है शायर पहले। कैसे? अर्ज है। सुनाओ। सुनाइए। मैं हर दम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। मैं हर दम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। ये मुझको बहाए लिए जा रही है जवानी, समंदर की मांग है। मैं हर दम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है। मैं हर दम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है। ये मुझको
में डूबता हूँ, मैं हर दम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। ये मुझको बहाए लिए जा रही है, जवानी समंदर की मौज है। मैं हर दम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है। मैं हर दम किसी को ढूंढती हूँ, मुझे किसी की खोज है। ऑफिस वालों को कल मालूम होगा कि तुम्हारे प्रमोशन के पेपर तैयार हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? इतने शुक्रिया क्या बात है, यू डिजर्व इट माय बॉय, यू डिजर्व इट। तुम इस काबिल हो। यस सर, आई मीन थैंक यू सर। उस दिन तुमने दस्तक देखी थी? जी नहीं, उस दिन मैं दस्तक नहीं देख पाया। मैं 11 बजे तक मैंने इंतजार किया, फिर मैं नहीं देख पाया। आज मेरी एक बड़ी जरूरी मीटिंग है, तुम आज जाकर दस्तक देख आओ जी। इट्स अ गुड फिल्म, यू मस्ट सी इट, तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, समझे? यस समझे सर। इंटेलिजेंट पर्सन, बड़े जहीन आदमी। अच्छा ये तो बताइए कि आप हमारे प्यार को किसी पाप की तरह छुपाते क्यों हैं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नीता, बस प्रॉब्लम्स ऐसी होती। क्या प्रॉब्लम्स हैं? मुझसे प्यार करते हैं तो बताइए। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तो बता नहीं सकता। मैं एक राज रहते रहते ऊब गई हूँ। मैं चाहती हूँ सारी दुनिया को पता चले कि मैं आपके दिल की बात हूँ। अब देखिए ना, इसी फ्लैट का मालिक क्या सोचता होगा मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचता होगा। मैं तो सोचती हूँ। तुम सोचा मत करो नीता। अब ये बताइए, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं क्या जवाब दूँ? किसी ने कहा है क्या? इसमें क्या रखा है, किसी ने कहा है या नहीं? मैं ये भी तो नहीं कह सकती कि मैं एंगेज्ड हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात अभी मुझसे निकालना भी नहीं, बहुत परेशानी हो जाएगी। क्या परेशानी हो जाएगी? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? फिर वही बात करेंगे जो कई बार कर चुके हैं, और जेब से कोई जेवर निकाल कर पहना देंगे। जी देखो नीता, मैं तुम्हारे लिए कैसा नेकलेस लाया, तुम्हारे सिवा दुनिया में इससे ज्यादा नाजुक चीज शायद ही कोई और हो। और सुनो, प्यार की बातें रिहर्सल करके नहीं की जाती। कि याद रहे कल क्या कहा था और आज क्या कहना है। जिंदगी कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत तेरी जुल्फों के अंधेरे के सिवा, जिंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरे 5,000 है तनु, गिन लो। 5,000 में 5 महीने का खर्चा तो चली जाएगा। हालात से सुलह करना कब सीखोगे अरुण, कब सीखोगे? हालात से तो क्या तनु, शायद मुझे जिंदगी से भी सुलह करनी पड़े, लेकिन उसूलों को तोड़ कर जीने में जो दर्द है वो मैं किसे बताऊं, कौन समझेगा उसे? तनु मैं तो चाहता ये हूं कि मैं दिन भर काम करता रहूं और तुम घर पर आराम से बैठे रहो, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। मैं यहां झल्लाया बैठा रहता हूं और तुम दुनिया भर के इशारों पर नाचती रहती हो। कितना बदनसीब हूं मैं। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ, तब मुझे अपने आप से नफरत सी हो जाती है। तनु, आदमी जो अपने आप से नफरत करने लगता है ना तो गिर जाता है। मेरे होते तुम कैसे गिर सकती हो, मैंने तुम्हें अपने प्यार से सजाया है ना। 7 बजे का तो मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं चलूं। बाय बाय। Hello? Boss?
आप फिक्र मत कीजिए खुसरा साहब। ओहो भोलू साहब आप फिक्र बात करते हैं, अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो हम मॉडल को चेंज कर देंगे। ओके ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोलो जय, जूनियर एग्जीक्यूटिव की कुर्सी में बैठने कैसे लगा? आप जाकर बैठो मैं सर। बैठने के बाद हमें अपना तजुर्बा जरूर बता रहा। ये नेकलेस कल फ्लैट में रह गया था। न जाने तुम इस नेकलेस के बारे में क्या क्या सोच रहे हो। ओह नो सर, मैं सोचने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्या है कि सोचने वाले के लिए तरक्की करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। That's very clever of you indeed. दिनेश ठीक कहता था, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर। लेकिन जय एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर सभी इतने समझदार नहीं है जितने तुम हो। कहीं किसी को नेकलेस के बारे में मालूम होगा। ये क्या कह रहे हैं आप सर, मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। वैसे तो ऐसी ऐसी कोई खास बात मैं समझता। जाते वक्त जरा चतुर्वेदी को अंदर देखते हैं जी। तुम्हारी सैलरी के बारे में अभी कुछ तय नहीं किया, सोचा था 1,500 से शुरू करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिलना चाहिए। थैंक यू सर। ओके हेलो जय स्पीकिंग। जय शंकर राय है क्या? Yeah, hello, Roy here. कौन मोना? नहीं नहीं मैं जरा क्यों ही, I'm sorry. Yes, come in. मुबारक हो जय, मुझे तुम्हारी प्रमोशन की बहुत खुशी। थैंक यू। मुबारक हो जय साहब। थैंक यू बेब। जय कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो ये सोच लेना, ये प्रमोशन तुम्हें महंगा तो नहीं पड़ा। शायद अहमद साहब, हर चीज की तरह प्रमोशन की भी एक कीमत देनी पड़ती है। दिनेश साहब ठीक ही कहते थे, इस दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज बिकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? खरीदारी करने के बाद अगर खरीदार को ये मालूम पड़े कि वो ठग लिया गया है तो? मालूम हो जाना ही काफी हो जाए। कैसा, अब आपको सोने के लिए फाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आप आराम से सपने देख सकते हैं। सपने? हाँ सपने, अब तक तो मैंने सपने देखने की आदत डाल रखी थी, मगर आज से सपने टूटते हुए देखने की आदत डालनी पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यूं ही, आज से इस दफ्तर में इतना काम रहेगा कि शायद ही मैं सो सकूं। लगता है आप इस प्रमोशन से खुश नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप? जिस प्रमोशन के लिए मैंने रातों की नींद हराम की है, उस प्रमोशन पर मैं खुश नहीं होऊंगा तो और क्या होगा? तो हो जाए कुछ पार्टी वार्टी। हाँ क्यों नहीं, इस प्रमोशन की खुशी में मैं एक इतनी शानदार दावत दूंगा कि मुझे ये दिन जिंदगी भर याद रहेगा। जिन बातों को याद रखने से दुख हो जाए उन बातों को भूल जाना ही अच्छा है। इस दुनिया को अपनी निगाहों से नीचे गिरा दो। मैं किसी को अपने निगाहों से क्या गिरा, मैं तो खुद अपनी निगाहों से गिर गया हूं। अपनी निगाहों से नीचे गिरने में बड़ी चोट लगती है अरुण, बड़ी चोट लगती है। बकवास की बातें मत करो यार अरुण, मैंने नीता को सड़क पे पाया और फ्लैट में खो दिया। इस पाने और खोने के बीच में मेरे घर बार के वो सारे सपने हैं जो टूट गए, बिखर गए। नीता को बड़ा फ्लैट चाहिए क्या? कमाल है यार, आजकल की लड़कियों का भी जवाब नहीं, दिल की लंबाई चौड़ाई नहीं देखती बल्कि फ्लैट की लंबाई चौड़ाई नापने बैठ जाती है। तुम कहो तो नीता से मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं। सिफारिश प्रमोशन की दुनिया में चलती है अरुण, दिल की दुनिया में नहीं। जय, मैं चाहता हूं तुम्हारी प्रमोशन को विद अ बैंग सेलिब्रेट किया जाए। यस सर। तो फिर पार्टी पक्की हो गई?
आज 10 तारीख है, 15 तारीख तक थे। क्यों? जो आप ठीक समझे। फाइन, बट माइंड योर जैफ, ये पार्टी मेरी तरफ से होगी, खर्चे की कोई परवाह नहीं करता, पार्टी तुम दोगे, बिल मैं दूंगा। मैं तो सिर्फ अपना फ्लैट दूंगा। गुड गुड, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, तुम सारे ऑफिस को इनवाइट करो। किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया। रास्ते का पत्थर लगा गया। रास्ते का पत्थर
किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर। जय साहब, आज इतने उदास क्यों हैं? आज तो उनके प्रमोशन की पार्टी है, उन्हें तो खुश होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन न जाने आज से क्या हो गया है, कुछ लोग खुश होना जानते ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि जय खुश रहे, इसलिए मैंने उसे फ्लैट दिया, फोन दिया, यहाँ तक कि सीनियर लोगों को नजरअंदाज करके मैंने उसे प्रमोशन भी दी है। फिर भी वो खुश न रहे तो कोई क्या कर सकता है। फिर भी कुछ तो बात होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमेशा कहा उस फ्लैट पर चलो, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करके एक फैसला करना है। डोर मैट के नीचे डुप्लीकेट चाबी होती है, मेरा इंतजार करना, मैं जरा अच्छे से बात करके वहां पहुंचता हूँ। सुनीता, एक बात पूछो। जरूर पूछिए। क्या जय तुमसे नाराज है? कौन जाने, मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वो मुझसे नाराज हो जाए। बुरा नहीं मानना, मुझे तो लगता है प्यार से और कोई तुम्हारे करीब आए शायद जैसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और कोई? और कोई कौन? चौधरी साहब का इस तरह करीब आना। लेकिन इसका तो मैं कुछ इलाज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनसे मेरी शादी होने वाली है। शादी? हैरान क्यों हो गई? क्या मैं शादी नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नीता, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम कुछ और जान लो तो अच्छा है। और क्या जानना है? तुम बस एक बार मेरे साथ आओ। मैं अभी नहीं आ सकती। अगर तुम अभी नहीं आई तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हैं? किसके पास? मैं मिसेस चौधरी हूँ। मिसेस चौधरी? हाँ, मिसेस रंजीत चौधरी। ये उनसे प्यार कर बैठी है। प्यार? तुम क्या सोचती हो, प्यार ऐसी गई गुजरी चीज है कि इस जैसी लड़की को भी हो जाए? जो ये भी ना सोचे कि शादीशुदा मर्द से प्यार नहीं किया जाता। जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम अपना घर बसाने के लिए मेरा घर नहीं उजाड़ रही हो? क्या तुम अपने सुख और दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हो, इतना गिर सकती हो? नीता जी, अपनी रातें बेच कर और दिल नीलाम करके प्यार नहीं खरीदा जा सकता। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं प्यार नहीं कर रही हूँ, पाप कर रही हूँ। इस अंगूठी का केस है आपके पास? अंगूठी केस? छोड़ इन बातों को, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ। नीता, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपने बेडरूम का कलर हल्का आसमानी रखेंगे ताकि नींद बड़े मजे से आए। क्यों, क्या ख्याल है? मैं इसके केस के बारे में पूछ रही हूँ। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया नीता, अंगूठी के केस के पीछे पड़ गई हो? मैं ये अंगूठी आपको लौटाना चाहती हूँ ताकि आपको फिर से पैसे न खर्चने पड़े। अरे, आप तो घबरा गए। शायद तुमसे किसी? नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी बात तो सुनो। कोई ऐसी बात कीजिए जो आपने और किसी से न कही हो तो मैं जरूर सुनूंगी। ऐसी बात ही कहूंगा, यकीन करो नीता। यकीन करो? किस पर? इस अंगूठी पर? चुना जाने कितने हाथों से गुजर कर मुझ तक पहुंची है। देखो नीता, यकीन करो इस नेकलेस पर जो मेरी मोहब्बत के गले में फांसी के फंदे की तरह पड़ा हुआ। यकीन करो इस फ्लैट पर, ना आपका है ना मेरा है। बताइए, किस पर यकीन करो? मुझ पर, मेरे प्यार पर। कम से कम अब तो झूठ ना बोलिए, अब तो कह दीजिए कि आपको मुझसे प्यार नहीं है। सच मानो नीता, मैंने कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की। मुझे तन्नू ने सब कुछ बता दिया। तन्नू? अगर मिसेस चौधरी नहीं ली होती तो मैं तन्नू की बात नहीं मानती, मगर तन्नू भी सच्ची और मिसेस चौधरी भी। मैं ही पागल थी कि आप जो जो करते गए मैं आपकी बात मानती गई, मगर अब
प्लीज। अब सुनने के लिए रही क्या गया है? मेरी बात तो सुन लीजिए। निकल जाइए मेरे दिल से, निकल जाइए मेरी जिंदगी से। मैं कहती हूँ यहाँ से निकल जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ निकल जाइए। ये कौन है? नीता, नीता, नीता। अरे तो बेहोश हो गई। ये भी कोई वक्त नहीं। क्या कर रहे हो? वो घर में है, जब लाती हूँ तब तो तुम नहीं आ रहे। अरे बगल में एक लड़की बेहोश हो गई। लड़की? लड़की नहीं, लड़का। सुनिए, अरे ये लड़की तो बिल्कुल होश में है। आप क्या समझते हैं? मैं इस लड़की की तरह पागल नहीं हूँ, जो वर्किंग आवर्स में शराब पी के बेहोश हो जाती है। यू अब कम ऑन चलो। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या, आपके फ्लैट में दो दो लड़कियाँ? ये सब क्या हो रहा है? अपने आप को संभालने की कोशिश करो जय, जिंदगी यूं ठीक ही नहीं जाती। क्या हो गया इस लड़की को? मेरे ख्याल से बेहोश हो गई। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन वो बेहोश कैसे हुई? मैंने नहीं किया। नहीं तो इसे फिर बेहोश होने का शौक होगा। तुम आदमी नहीं हो जय, जानवर हो, अपने अपने हवस के गुलाम बन गए हो। इस लड़की को इस हालत में लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? डॉक्टर अपनी जवानी से बात किया तो शर्म नहीं आती? घबराने की कोई बात नहीं जी। मैं तो समझ रहा था ये पीने की वजह से बेहोश हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, पीती नहीं। पीती नहीं जी? नहीं। फिर बेहोश होने की कोई वजह तो होगी? देखिए मैं तो अभी मैं सब कुछ समझता हूँ। ये दो दो लड़कियां और लड़कियों के साथ इस तरह से। डॉक्टर साहब पानी वाली लाओ कुछ जी। नहीं और मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं, आराम करने दो इसे। अब पानी डालने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम होश में आओ। मैं आ गई, होश में आ गई, होश में आ गई डॉक्टर साहब, खुश में आ गए। जी जी ये तो मेरा फ्लैट है। और बिल्कुल परेशान ना हो, इसे आपके साथ शादी करनी पड़ेगी। क्या? मेरे साथ चलो और दवाई ले आओ। डॉक्टर साहब ने ये दवा दी है। डॉक्टर बुला के आपको इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी जी? अरे तुम्हारी हालत देखी और मैं करता क्या? अरे ये खड़े क्यों हो रही हो? थोड़ी देर आराम कर लो नीता। आराम? आराम करने के लिए शायद मुझे कोई दूसरा ही रास्ता निकालना पड़ेगा। नीता नीता तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ प्लीज। हा? अभी तो तुम्हें होश आया। रोना तो इसी बात का है कि होश बहुत देर में आया, अब रोने से होगा भी क्या? आंसुओं से टूटे हुए सपने तो नहीं जोड़े जा सकते। ये कैसे, ये क्या हो गया तुम्हें नीता? कुछ भी तो नहीं। ओफो बोलो ना। मैं आपसे विनती करती हूँ उसे कुछ न पूछिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सिर्फ रास्ता रोकने से आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। लेकिन तुम देखिए मैं गिर गई हूँ और मुझे अफसोस है कि आप ये तमाशा देखकर अपना जी बहला रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह से मुझे गिरने देंगे। जब आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? यकीन मानो नीता मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, और जब मालूम पड़ा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सका, बस अपने आपको दुख देता रहा। आप आंसू बहाकर अपने गम तो भुला सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नीता, आप मुझे यहाँ रोक कर जलील न कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए।
नीता कैसी है? मालूम नहीं सर, ना ही मैं मालूम करना चाहता हूँ। क्यों, क्या उससे नाराज हो गए? नहीं, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला। तो फिर शायद तुम उससे नाराज हो कि मैं उसे तुम्हारे फ्लैट में छोड़कर भागा है। नहीं, ऐसी बात नहीं सर, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ भला। क्या बात है, आज इतनी जल्दी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? गरम गरम खाना खाने के शौक में जबान जल गई है सर। एक्चुअली मैं तुमसे और नीटा से अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इतना कायर क्यों हूँ। नीता को बताने या ना बताने का अख्तियार आप पे है सर, लेकिन मैं तो आपका सबॉर्डिनेट हूँ, आप मुझे क्यों? हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हें हो क्या क्या है? मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारे इस बर्ताव को बदतमीजी समझता। लेकिन मुझे आपके जाती मामलात में क्या दिलचस्पी हो सकती? ये मत भूलो जय, कि जिस कुर्सी पर तुम आज बैठे हो तुम्हें सिर्फ मेरी मेहरबानी से मिली है। यह कुर्सी मुझे आपकी मेहरबानी से नहीं मिली सर, इस कुर्सी की कीमत तो मैंने हर कैबिन में अदा की है। आपकी मेहरबानी ने तो मेरे घर को इतना गंदा बना दिया है कि अब वहां कोई बैठकर अपनी माँ का खत भी नहीं पढ़ सकता। तो क्या तुम ये समझते हो कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं उससे मैं खुश हूं? मैं ये नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपका भी एक घर है। मेरा भी एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन उसमें और नर्क में कोई फर्क नहीं है। जमीन पर खड़ी हुई दीवारों और दीवारों पर रखी हुई छत का नाम घर नहीं होता। जी हाँ, और उस छत के नीचे एक पत्नी भी होती है। मेरी एक पत्नी भी है, और अब तुम ये भी कहोगे कि मुझे नीता से अफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ जय, क्या क्या बीवी उस नौकरानी का नाम है जो दफ्तर जाते वक्त दूल्हे के कपड़े बाहर निकाल दे, एक टूथपेस्ट खत्म होने से पहले दूसरा टूथपेस्ट खरीदता है? नहीं, पत्नी तो वही होती है जो पति के दिल को समझे, उसके जज्बात को अपने जज्बात और उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझ ले। मेरी पत्नी तो मेरी जिंदगी की खुद सबसे बड़ी परेशानी है। क्या उस औरत को पत्नी कहते हैं जो हर रात को एक बिस्तर की तरह बिछ जाती है? अगर उसका यही काम है तो वैश्या और पत्नी में फर्क क्या है? ये बात तो हमें अपने माओ से पूछनी चाहिए। मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सके तो गाली बोल रहा है? इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की मुझ में कहां हिम्मत है। लेकिन ये बताइए कि जो जिंदगी में गुजार रहा हूं उससे प्यार करूं या नफरत, जीऊं या मरूं, मेरी जिंदगी एक गाली की तरह मेरा पीछा कर रही है। बताइए उस गाली से कैसे पिंड छुड़ाऊं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या मैं इन सवालों की फांसी लगाकर मर जाऊं? मैंने तो आप पर विश्वास किया था। तुमने कोई गलत नहीं की थी। मैं अपना पलंग बिस्तर और अपनी आत्मा किराए पर चला रहा था, लेकिन आपको उसके किराएदार नहीं बनना चाहिए था। जय, जय तुम समझते क्यों नहीं, आज मैं अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला करना चाहता हूं। आज नीता मुझे तुम्हारे फ्लैट में मिलने के लिए आ रही है। क्या? हाँ, आज मैं नीता को बता देना चाहता हूं कि उसकी जगह मेरी जिंदगी में क्या है। सिर्फ आज आखिरी बार मुझे तुम्हारे फ्लैट की चाबी चाहिए। मैं जागते जागते बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। नीता का हाथ थामे बगैर मैं अपने घर के नरक से नहीं निकल सकता। जय, आप कितनों का हाथ पकड़कर इस नरक से निकलेंगे? डूबता हुआ आदमी हर तिनके पर हाथ न मारेगा तो क्या करेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास खुद अपने सैकड़ों सवाल है। मैंने एक फैसला कर लिया है, आज से मैं अपने फ्लैट की चाबी किसी को नहीं दूंगा। मत भूलो कि मैंने बातों का छीन कर तुम्हें लड़की के टीचर से निकाला है। तुम एक मामूली क्लर्क थी, मैंने तुम्हें प्रमोशन देकर तुम्हारा भविष्य बनाया है। प्रमोशन? भविष्य? प्रमोशन की पन्नी में लिपटी हुई अपनी वासना को मेरा भविष्य मत कहिए। जब तुम मेरा दर्द नहीं समझना चाहते तब तुम्हें भी यहां रहने का कोई हक नहीं। तुम फुटपाथ पर नजर आओगे। नजर तो आऊंगा, यहां तो नजर ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, यहां से जाने के लिए आपकी आज्ञा की जरूरत नहीं है। यह है वो भविष्य जिसे आपने मुझे इंस्टॉलमेंट पर दिया था, मुझे इतना महंगा भविष्य नहीं चाहिए सर।
जा कहाँ रहे हो जय? जा नहीं रहा, भाग रहा। किससे? अपने आप से। मैं जब तक अपने साथ रहूंगा जी नहीं सकता, और मैं जीना चाहता हूं। जाने को तो तुम दोनों जा रहे हो, बस तरीका अलग अलग है। हाँ, और रास्ते तुम जा रहे हो किसी घर की तलाश में, और वो जा रही है ऐसी जगह जहां न कोई घर है न किसी की आवाज। ऐसी कौन सी जगह है? है, 20 दिन की गोलियां खाकर सपने देखते देखते वो जा रही है। नीता, नीता, आंखें खोलो नीता, नीता, आंखें खोलो। मैं आंखें नहीं खोल सकती, तुम्हारी तस्वीर आंखों में ले जाने दो। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे घर का रास्ता भूल। मैं तुम्हें घर का रास्ता नहीं भूलने दूंगा, मेरा घर तुम्हारा घर है नीता, नीता। अब तुम्हारे घर जाने का हक नहीं है मुझे। किसे कहा? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा नीता, उठो, आगे खोलो, आगे खोलो। मुझे मत जगो, मैं जागी तो जी नहीं पाऊंगी। बहुत तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है नीता, आगे खोलो, मैं कहता हूँ आगे खोलो। गिरी हुई? कौन गिरा हुआ नहीं है, हर आदमी गिरा हुआ है नीता। वो झूठ बोलता है, बेचता है अपने आप को, तो फिर तुम आत्महत्या क्यों करो? मैं भी तो कोई देवता नहीं हूँ नीता, 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 मैं तो सिर्फ कल के बारे में सोच रहा हूँ। ना 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 जय, उन्हें लेट नहीं कर दो, अगर किसी तरह से चल सकती तो अच्छा होता। चलेगी कैसे नहीं, मैं चलाऊंगा इसे। नीता, नीता, आंखें खोलो नीता, उठो नीता, उठो, आंखें खोलो नीता, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो नीता, निकल। उसे उठा, कैसे नहीं उठा जाता नीता, 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 आंखें खोलो नीता, आंखें खोलो नीता, आंखें खोलो नीता, नीता, मुझे दिखाई। यहाँ, यहाँ, हाथ पकड़, दोस्त, दोस्त, मुझे सहारा दो, मैं गिर जाऊंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा नीता, चलो। जाके चलता हूँ। कहाँ? जरा चलकर देखो तो सही, तुम नाश्ते कैसा हो? प्लीज, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। अरे तो क्या हुआ, मेरे माथे पर लिखा है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे लोगों की बातों से क्या लेना देना, मुझे तो तुमसे जरा प्लीज। अरुण, तुम रहोगे तो मैं दास भी नहीं कर सकूंगी ना। ठीक है, आज मैं तुम्हारा काम मान लेता हूँ, लेकिन अगर दिल ने जिद किया तो? दिल तो तुम्हारा मेरे पास है, मैं तो जिद नहीं करने दूंगी, समझे? तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरी पत्नी के पास तुम नीता को ले क्यों गई थी? देखिए चौधरी साहब, हर लड़की ताश का पत्ता नहीं होती, कि आप जब चाहे चाल चल दी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, न जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियों को अपनी मोहब्बत का चकमा दिया हो। तुम एक मामूली वेश्या हो, तुम्हें क्या मालूम अच्छाई बुराई में क्या फर्क होता है? पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम हो गया है। जिस गलती से मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है,
वो गलती मेरी आंखों के सामने और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है मैं बुरी हूँ, लेकिन नीता जैसी शर्म अपना ख्याल रखो, दुनिया का तुम्हें ठेका नहीं दे रखा। देखिए चौधरी साहब, जो मैंने समझा वो मैंने किया, अब आप जो ठीक समझे वो कीजिए। ठीक है, वही करूंगा। अरुण तुम यहाँ? आई अंदर आई। ये 25 आशा कॉलोनी है ना? हाँ। और यहाँ तो अनु रहा करती है? अनु तो अभी रहती है। समझा। I see. What do you see? यही कि हम दोनों एक ही चीज के शिकार हैं। She is damn good. आप अनु को इतनी अच्छी तरह जानते हैं? मैंने तो उसे परमानेंट रखा हुआ है, हर महीने उसको सैलरी देता हूँ। मिस्टर चौधरी मेरी बात मानो अरुण, तुम भी उसे हर महीने थोड़े बहुत पैसे दे दिया करो सस्ती। मिस्टर चौधरी आप होश में हैं? क्यों क्या हुआ? अरे नहीं, इसमें जलने की क्या बात है, तन्नु कोई औरत थोड़ा ही है, वो तो टैक्सी है। मिस्टर चौधरी तन्नु मेरी बीवी है। Oh my God. I'm sorry. मुझे वाकई बहुत अफसोस है, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। I'm very sorry. Please. हाँ लेकिन इस महीने का हक तुझे मिलना ही चाहिए, ये मेरी तरफ से उसे दे देना। Get out from here. I said get out. Get out. It's okay. Okay, thank you. Thank you very much. Excuse me. आज तनु ठाकुर का कैमरा था ना? जी आज उनकी नाइट ऑन। जी आज उनकी छुट्टी का दिन है। अच्छा, मगर उन्होंने तो कहा था कि आज है। लगता है कि आज उनकी नई मुलाकात हुई। जय, तुम्हें अभी तरक्की मिली थी, तुम्हें नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। आप नहीं जानते रमेश जी, इस तरक्की के साथ मुझे कितनी जिल्लतें, कितने दुख बर्दाश्त करने पड़े। आप नहीं जानते कि पिछले दिनों ने मेरे साथ क्या बदसलूकी की है। यू नो बेटा, इट्स योर अफेयर। अच्छा जय, तुम मेरे लिए काम करोगे? हाँ। तुम्हारे दोस्त अरुण को हमने अपनी कंपनी में परमानेंटली रखने का फैसला कर लिया। ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर, उसे जरा पहुंचा दे। व्हाई नॉट, विद प्लेजर। बड़े दिनों बाद खुश होने का मौका मिला। मैं जरूर जाऊंगी। नहीं नहीं, हम नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तुम कब से इस तरह की बातें करने लगे हो? कम से कम ये तो ना भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। वाकई बहुत बेशर्म हो। बेशर्मी में आपका खुश है? After all, मैं तुम्हारा पति हूँ। After all, यदि तो सबके बाद तुम्हारे पास लौट आती हूँ। प्लीज, मैं झल्लाना नहीं चाहता हूँ, ऐसी बातें मत करो। तो कैसी बातें करूँ? तुम्हारे चरणों की धूल माथे पर लगाकर ये कहूँ कि तुम मेरे भगवान हो? नहीं, ये मत कहो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। अगर मैं भगवान होता तनु, तो कभी भी तुम्हारी तकदीर इतनी खराब नहीं होती। शेम ऑन यू। इतने दिनों साथ रहने के बाद तुम इतना भी ख्याल नहीं कर सकती, जबकि मैं ये जानते हुए भी तुमसे प्यार करता हूँ तनु, कि तुम एक होटल का बिस्तरा बन चुकी हो जिस पर हर रात नया मेहमान सोता है। शायद कहीं के कायरता को प्यार समझ के खूब दिल खुश करते रहो। अगर तुम एक शरीफ आदमी होते तो मेरी कमाई की शराब पीने की जगह तुम्हें मेरा कोट पी लिया होता। थप्पड़ मारने से हकीकत नहीं बदल सकता। मैं हकीकत बदलना भी नहीं चाहता हूँ तनु, मैं तुम्हें सिर्फ हकीकत बताना चाहता हूँ। और हकीकत यह है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, बहुत चाहा है तुमने। जी ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। रोना तो इस बात का तनु कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन खैर, आज से तुम इस मकान के बाहर नहीं जा सकोगे। यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेगा। तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें, तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू आंसे सब मेरे लिए होंगे, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत है ना? लेकिन तुमने इनका इस्तेमाल कभी भी मुझे देखने के लिए नहीं किया। तुम्हारी हसीन होंठ
शराब खाने का ग्लास जिससे हर कोई अपनी प्यास बुझाता है और सिर्फ मैं ही प्यासा रह जाता हूँ। तुम्हारे हसीन करतन जिस पर हमेशा गैरों की बहें होती है, अब ये नहीं होगा तन्नू, अब ये नहीं होगा। पहली बार मेरे पति ने शराफत दिखानी चाहिए और तुम बीच में आ गए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, लो मारो। क्या करते हो तुम लोग, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया था। नीता, जिंदगी में अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुम हो। कान खोल कर सुन लो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितने कमीने आदमी हो, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओ। दुनिया को सही सुनाई बातें बताने का क्या फायदा, आप पीती बताना। अगर तुम शराफत से नहीं गए तो मैं तुम्हें जूते मार के निकाल दूंगी। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ न चली तो मैं जबरदस्ती तुम्हें ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। हैरान क्यों हो गए? मुझे तुम्हारे पास किसी न किसी तरह तो आना ही था, अपना हिसाब साफ करने के लिए। मैं समझा नहीं। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। मैं अपने आबरू का हिसाब साफ करने आया हूँ। इस जिंदगी का हिसाब इसी जिंदगी में साफ हो जाए तो अच्छा है। जिसकी वजह से मेरी पत्नी वैश्या बनी, जिन हाथों से मैं उसकी पूजा किया करता था उन्हीं हाथों से उसका खून करना पड़ा। और मेरी आबरू का कातिल मुझी से कह रहा है कि हिसाब कैसा। जिसकी वजह से नीता का यह हाल हुआ और उनके समझ में बात ही नहीं आई। जिसकी कहानी में नीता जैसे न जाने और कितनी लड़कियों के नाम दर्ज है, वो मुझसे कह रहे हैं हिसाब कैसा। चौधरी साहब, मैं आपको अपनी जिल्लत और आपकी आवारगी के एक लम्हे का हिसाब समझा कर ये खाता बंद करने आया हूं। नहीं चौधरी साहब, ये हिसाब मेरी जिंदगी से अदा नहीं होगा। इस खाते पर तो मैं तुम्हारे खून से दस्तखत करूंगा।
मैनिफेस्टेशन। मैं अरुण ठाकुर बोल रहा हूं। आप हैरान होंगे कि मैं कहां गायब हो गया था। मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं कि मैंने रंजीत चौधरी का भी कत्ल कर दिया है। चौकिया मत, मेरी पूरी बात सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए खुद अपने आप को आकर आपके हवाले नहीं कर सकता हूं। आपको ही थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी। मैं आपको यहां का पता दे देता हूं, 20 प्रेसिडेंसी सोसाइटी, 7th नॉर्थ साउथ रोड, जुहू विले पैलेस की। जी हाँ, जुहू विले पैलेस की। थैंक यू। मैं अपने लिए इंसाफ नहीं मानता हूं, सजा मानता हूं, मौत की सजा। जिन हाथों से दुल्हन बनी हुई तनु का मैंने घूंघट उठाया था, उन्हीं हाथों से मैंने उसे मार डाला। मैंने तनु का कत्ल किया है जज साहब। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। उसने तनु का खून नहीं किया, तनु ने इसके हाथ से आत्महत्या की है। मुझे भारी अदालत में जलील ना करो जय। कोई भी आदमी अपना बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता है, कसूरवार वो आईना ही कोई ठहराता है। तनु मेरा आईना थी जय, मैंने चलना करो आईना तोड़ डाला। तुम मेरी बात तो सुनो अरुण, तुम तनु और जय जैसे मामूली लोगों की जिंदगी के मुकाबले में बहुत महंगे हो। तुम एक महान साहित्यकार, महान साहित्यकार हो, वो तो अपने घर की आबरू का जहर चाट कर कब का मर चुका है। जय, दुनिया से मेरी जाती लड़ाई है, मुझे लड़ाई लड़ने दो जय, लड़ने दो मुझे। मैंने तनु को इसलिए कत्ल नहीं किया कि वो सीता नहीं निकली, क्योंकि मैं भी राम नहीं हूं। मैंने तनु को इसलिए कत्ल किया जज साहब की मैं उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता। और रही रंजीत चौधरी की बात, तो उसे मानने में मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, ना ही शर्म आई, क्योंकि रंजीत चौधरी इस युग का रावण था। और अगर ऐसे रावण को मारने के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा, तो मैं बार बार जन्म लूंगा, हजार बार जन्म लूंगा, हर बार जन्म लूंगा, और यूं ही जकड़ा हुआ इस अदालत में पेश होकर अपने लिए मौत की सजा मांगूंगा। मैं यहां इंसाफ मांगने नहीं आया हूं, मौत की सजा मांगने आया हूं, मौत की सजा मांगने आया हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं जज साहब, मुझे बार बार मत मरने दीजिए, मुझे जीने की सजा मत दीजिए, मुझे मौत की सजा दे दीजिए, आप मौत की सजा दे दीजिए। अदालत को मुजरिम से हमदर्दी, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना बहरहाल एक जुर्म। इसीलिए जेर दफा 302 ताजी रात हिंद मुजरिम अरुण ठाकुर को सजाए मौत दी जाती है। चली जा रही है, शोभा पूछेगी तो क्या जवाब दूंगी? शोभा आ जाएगी तो मुझे जाने नहीं देगी। शोभा को मेरा प्यार देना। अच्छा, ट्रेन का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। बड़ी पागल लड़की, बात बात पर रोने लग जाती हूँ। अरे भाई, जब कोई इस तरह जा रहा हो तो रोना नहीं चाहिए, पर छकुन होता है। अगर इजाजत हो तो आपसे एक बात पूछूं। आप जा कहाँ रही हैं? अगर मैं आपको यह बता दूं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मेरे जाने का फायदा क्या हुआ? गुड, तो फिर मैं सामान उठाता हूँ। हाथ पकड़ने का मतलब समझते? आप मेरे जाने को इतना मुश्किल न बनाइए। क्यों ना बनाऊं? तुम जब चाहो मेरी जिंदगी में आ सकती हो और जब चाहो निकल सकती हो, और मुझे इतना पूछने का हक भी नहीं कि तुम कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो। नीता, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आपके घर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? सच बोलो नीता, मैंने तुम्हें अपने सारे सपनों में शामिल कर लिया है, फिर मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा? जय, मैं वो पत्थर हूं जिसे ठोकर तो लग सकती है, लेकिन घर नहीं बन सकता। क्या तुम मेरे प्यार पर यकीन नहीं करती? मुझे अपने प्यार पर यकीन नहीं। मेरा प्यार ऐसा नहीं कि किसी देवता को भेंट करूं। मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। सिर्फ इतना बता दो कि कहां जा रही हो। पता नहीं। अच्छा, तो फिर मेरा भी पता नहीं रहेगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ तो मेरे बीते हुए दिन भी है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि प्यार अंधा होता है नीता? बीते हुए दिनों से हमें क्या करना, आने वाले दिन हमारी जिंदगी है नीता। दिल से महसूस करो, दिल से महसूस करो नीता।